मैंने यहाँ रखी थी ताकि विश्वकन्याओं की असलियत सबके सामने आ जाए एंड यू नो बिकॉज वो पूजा में और मंदिर में या हवन में नहीं बैठ सकती है सो आई न्यू दिस इसलिए मैंने ये मंगल गौरी पूजा रखवाई है यहाँ पर. तो माँ ने तो एक बहाना कर दिया कि उन्हें धुएँ से एलर्जी है बट मैं कन्विंस करती हूँ कि फिर आपकी एक बहन को यहाँ बिठा दीजिए, ये कुंवारी लड़कियों की पूजा है. सो तो इसलिए सुरीली का बस रूप आने ही वाला होता है सबके सामने एंड माँ वहाँ महामाँ के पास पूजा कर रही है, उनकी हेल्प ले रही है और वो एक बाज भेज देती है घर पे. सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग और वो बाज राजा साहब को उठा के ले जाते हैं. तो सितारा राजा साहब को वापस लाने के लिए क्या? मैं बेसिकली अभी फ़िलहाल घर वालों के सामने आई कैन नॉट कम इन माई विश्वकन्या लुक. सो इसलिए मैं अभी बस जैसे भी फाइट करने की कोशिश कर रही हूँ बट डेफिनेटली पता तो चल जाएगा राजा कहाँ है बिकॉज यही अभी करने वाली हूँ मैं कि उनको ढूँढूँ मैं. इसके बाद आप नया क्या प्लान बनाएगी जैसे कि विश्वकन्या जो है दूसरे जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं उनकी राज बाहर निकालने के लिए आप क्या करें? अभी फ़िलहाल तो राजा साहब को ही बचाना है, यही मेरे दिमाग में है. एक बार वो मिल जाए उसके बाद विश्वकन्याओं को इस घर से बाहर निकाल दूँगी. थैंक यू. शादी के बाद का पहला दिन बहुत अच्छा है. मेरी मुँह दिखाई रस्म चल रही है जहाँ मेरी माँ और मासिया सुरीली को एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट निकलती हूँ मैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक है ये. बाकी सब घर वाले बहुत खुश हैं. जब सभी घर वाले आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और तोहफे भी दे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो बात है जो सताई जा रही है, क्या बात है? तोहफे दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं. आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि मैं जल्दी से एक छोटा सा विराज घर पे लाऊं बट जैसे आप सब जानते हैं विश्वकन्याएं ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि विराज की जान को खतरा है. सो इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ कि मैं क्या करूँ बिकॉज घर वाले प्रेशर कर रहे हैं एंड आई एम लिटिल स्कैर्ड एंड आई एम नर्वस. सो या घर वालों को मिठाई बहुत पसंद आई है और मैंने कोशिश की है कि सबको खुश रखूं मिठाई देकर, मिठाई बनाकर और ऑफकोर्स तोहफे देकर. कोशिश पूरी करूंगी कि राजघर आने के सारे लोग मुझसे खुश रहे हमेशा. हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि राजा सितारा का सफ़र ऐसे ही चलता रहे जो दर्शकों को अभी भी पसंद है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक्साइटेड है वही विश्वकन्या कुछ और भी प्लान कर रही है इस बार? मतलब जो हमने प्लान किया दैट इज़ एक्सप्लोसिव और आप ऑब्वियसली जब शूट कर रहे हैं आपके दर्शक देख पाएंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है बिकॉज एक ही गेटअप में, दुल्हन के गेटअप में दो लोग हैं. वो सितारा है लेकिन फिर दूसरी वाली कौन है जो सेम गेटअप में घूंघट के साथ घूम रही है? वो सुरीली है और उसे हमने ऑब्वियसली प्लांट किया है. बट अल्टीमेटली शादी विराज की किससे होगी ये देखने के लिए सबको इंतज़ार करना होगा, उसके लिए आपको एपिसोड देखना होगा. धोखे में आके नहीं करते हैं हम, बाकायदा हाथ वात उठवा के इंगेजमेंट कराते हैं, फिर बधाई देते हैं, तालियां भी बजाते हैं. हम बहुत इनकरेजिंग लोग हैं, अच्छी चीज़ों में हम बहुत सराहते हैं लोगों को. तो हमने इंगेजमेंट भी करवा दी है और हम अब सुरीली को बहुत जल्द मंडप पे बिठाने वाले हैं. मैं अपने हाथों से पर्सनली कन्यादान करने वाली हूँ. सो वेरी एक्साइटिंग. छोटी बहन ऐसा कोई आए नहीं जो हमें टच भी कर पाए. देखिए जो भी होगा आई थिंक शो के इंटरेस्टिंग शो को एक इंटरेस्टिंग पड़ाव के पे लाने के लिए होगा. अभी देखते हैं, वी जस्ट स्टार्टेड विद ऑल ऑफ दीज डिफरेंट एलिमेंट्स. अब देखते हैं हाउ वी अनरैप देम एंड टेक देम फर्दर. नहीं
जी हाँ, हल्दी हो गई है और अब आज संगीत है और हम दोनों बहुत खुश हैं बिकॉज यू नो हम यही चाहते थे. सो या फाइनली द डे हैज कम. विश्वकन्याएं जो है, जो मेरी माँ है, वो डेफिनेटली मेरी खुशी से खुश नहीं है. ये बहुत ही अलग माँ है मेरी. सो वो डेफिनेटली बाधाएं लाएगी इस शादी में और मैं प्रिपेयर्ड हूँ, बट एक डर भी है दैट कहीं यू नो लास्ट मिनट कुछ ऐसा ना कर दे कि मैं विराज को खो दूँ. सो बट आई एम फाइटिंग. हंड्रेड परसेंट साजिशें चलेगी और वो कोशिशें करती रहेगी, बट सितारा पूरी कोशिश करेगी कि वो उनको हराती रहे. अभी तो रोमांटिक डांस मतलब जो सबकी सब डांस कर रहे हैं, बट हम भाग जाते हैं बीच में से फॉर आर ओन रोमांटिक थिंग्स. सो आई डोंट थिंक सितारा एंड विराज आर डांसिंग इन द संगीत. बहुत नाच लिया मैंने, अब मुझे दूसरों के डांसेस देखने दो. नथिंग यार, इट्स द थीम इज पिंक एंड फ्लोरल. सो वही पहना है आज, फ्लोरल दुपट्टा एंड ब्लाउज. देयर इज जस्ट लाइक पिंक विद माय पिंक फ्लावर ऑन माय हेड. सो या बस थोड़ा बहुत किया है. थैंक यू. थैंक यू. हेलो एंड वेलकम टू सास बहू और सस्पेंस. थैंक यू सो मच. तो अब आप ये किसका गुस्सा निकाल रहे हो पंच बैग्स पे? उस बैग पे एक्चुअली सैंड बैग पे वो जितना भी जो कुछ भी हुआ है पिछले कुछ दिनों में, मतलब जिस तरीके से ऑब्वियसली सितारा का ही गुस्सा निकाल रहा है वो, क्योंकि सितारा नहीं बोला विराज को कि तुम जाके आप जाके नेत्रा से शादी करें. फाइनली उसको ऐसे फील हुआ जैसे ब्लैकमेल किया गया है. उसने जाके बिकॉज ओनली फॉर सितारा उसने जाके अपने डैड से कहा कि मैं शादी करूँगा नेत्रा से, बट फिर नेत्रा किसी रीज़न से शादी तोड़ के चले जाती हैं. तो वो सारा जो गुस्सा है वो फिलहाल सैंड बैग पे निकल रहा है. अब सितारा जब बड़े ही मुश्किल से फाइनली मान ही गई है तो अब विराज नाराज हो गया है. हाँ, अब वो तो इतना इजीली अब नहीं मानेगा ना, क्योंकि वो इतने टाइम से चला आ रहा है. तो कहीं ना कहीं विराज को फील हो रहा है कि ये मतलब मजाक लगा रखा है कि कभी कहती है नहीं है प्यार, कभी कहती है प्यार है, कभी कहती है नहीं कर सकती शादी, अब नेता से शादी करिए, अब करिए, अब मुझसे शादी करिए. तो लग रहा है कि ये क्या मजाक नहीं चल रहा है ना, फीलिंग्स के साथ मजाक हो रहा है, इसलिए वो गुस्सा है, नाराज है. तो इससे पहले कि सितारा अपना माइंड चेंज कर ले, क्या विराज अपना माइंड चेंज कर लेंगे? ये तो मैं नहीं बता सकता, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो सिनेरियो है उसमें विराज बहुत एंगर में है, बहुत गुस्से में है, और फिलहाल तो मान जाने के किसी मूड में नहीं है. मोस्ट वेलकम. सो आज जो काफी नेत्रा को डराया जा रहा है सब मिलकर, क्या वजह है डराने की? देखो, हम विश्वकन्या तो जब भी हमारा कोई सच जानता है तो हम उसे डराते हैं, चाहे वो राजगुरु हो या चाहे वो राजा हो या फिर चाहे कुलदीप हो, जो भी है इस महल के जितने भी लोग हैं. तो अगर कोई भी हमारा सच सामने लाने की कोशिश करेगा तो हम सीधी से बातें उसे डराएंगे. लेकिन ये जो डराने का तरीका है, ये एक्चुअली मैं भी बताना नहीं चाहती, आप टेलीकास्ट में देखिए, ये बहुत ही खौफनाक है. जो वो देखती है उसके आंसू तक निकल जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी हिल जाती है. तो हमारे लिए हमारी तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है इस तरह का डराना. वैसे सितारा है कि विराज से प्यार करती हैं, तो सुरेली से शादी क्यों कराना चाहता, नेत्रा को क्यों डराया जाए? कहीं ना कहीं विराज से तो सितारा भी प्यार करती है. जी हाँ, ये तो ऑडियंस को पता है कि सितारा प्यार करती है विराज से और विराज भी करता है. हम सब बहनें, हम सबका एक एक मकसद है. हम किसी से प्यार नहीं करते, हमें अपने मकसद से प्यार है. हम अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं इस राजवंश के खिलाफ. तो हम जो जो एक एक टारगेट है हमारा, वो हम एक एक पूरा करते जा रहे हैं. तो जब टारगेट नहीं पूरा होता है तो हमने एक सीन और भी किया जिससे हमारी दीदी अपसेट हो जाती हैं. लेकिन सुरीली को हम पुश कर रहे हैं, वो हमारे एक और एक टारगेट है पूरा करने के लिए. तो आप जब टेलीकास्ट देखेंगे तब आपको पता चलेगा. लेकिन राजमहल वालों से बदला लेते लेते कहीं ना कहीं सितारा से एक तरीके से बदला लिया जाए, अपना होते हुए सितारा को काफ़ी एक हर्ट हो रहा है.
हाँ वो हमने वैसे काफ़ी इस बारे में सीन कर चुके हैं। सितारा ऑब्वियसली अपसेट है क्योंकि वो तो अपनी माँ के अगेंस्ट जाना उसे बुरा भी लगता है, लेकिन वो ऑब्वियसली वो अमृत है, हम विश हैं, तो विश तो जीतता ही अमृत के जब लड़ाई आती है। तो भले उसको मन में अफसोस होता है कि मैं अपनी माँ के और अपनी मासियों के खिलाफ जा रही हूँ, लेकिन जो सच है वो उसका साथ देती है। तो इस तरह से सितारा हमसे लड़ रही है। लास्टली अभी एक सीन है जिसमें क्या बोलते हैं सितारा विराज को कन्विंस कर रही है शादी कर लेने के लिए, और यहाँ सुरेली भी अपना दाव चल रही है शादी करने के लिए, तो अभी किससे विराज की शादी होने वाली है? ये एक्चुअली जब हमने ये सुना था सीन, ये ट्रैक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मैं पूरा खुलासा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि फिर आप टेलीकास्ट में क्या एंजॉय करेंगे। यही है कि आप जब देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा किस तरह से एक विराज के लिए दोनों लड़कियां शादी करना चाहती हैं और किस तरह से वो एपिसोड में बबाला मचता है, तूफान मचता है। सो यू मस्ट वॉच दिस एपिसोड बिकॉज मैं खुद से हम एपिसोड्स नहीं देख पाते बिकॉज वी बिजी शूटिंग हियर। तो मैं एक्चुअली ईगरली वेट कर रही हूँ कि मैं ये टेलीकास्ट देखूँ। सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ सितारा, मस्ट वॉच। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल हाँ, वो अब वो इतना अच्छा उनके अंदर एक स्किल है, आर्ट है, तो वो जब उसको जब वो हम देखते हैं तो हमें बहुत, हम सब सबके सब बहुत इम्प्रेस होते हैं और ऑब्वियसली उनको चीयर करते हैं। लेकिन किंग को लगने वाला होता है निशाना जी और सितारा बचाने आती हैं, जी मतलब प्लानिंग मतलब सब। हाँ बिल्कुल मतलब हम सब बाकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं सितारों को डाउट होता है कि कहीं ऐसी कोई चाल तो नहीं है इसके पीछे, और वो डाउट सही निकलता है क्योंकि वो निशाना काफ़ी सही जगह जा रहा होता है। बट लकीली सितारा है वहाँ पे और लास्ट मोमेंट पे वो उनको बचा लेती हैं, तो सब कुछ ठीक है। प्रिपरेशंस भी चल रही है, घर में पूजा हो रही है, एकदम से कुछ हादसा हो जाता है, अगर आप एक्सप्लेन करना क्या हो रहा है? रानी जो है वो गायत्री मंत्र भूल जाती है बिकॉज़ वहाँ से वृंदा ने अपनी आंखों के थ्रू उनके दिमाग में कुछ किया जिसकी वजह से वो भूल गई, एंड उन्होंने कोई दूसरा मंत्र पढ़ लिया, शी मिक्स्ड अप द टू मंत्र। सो वी वंडरिंग क्या हुआ, उसी में वृंदा आके शी स्टार्ट सिंगिंग द करेक्ट गायत्री मंत्र, एंड द राजा उसे इनवाइट करते हैं पूजा हमारे साथ करो, बट शी डजंट कम, एंड आई एम वेरी हैप्पी अगर वो मंदिर आएगी तो उसकी असलियत सबको सबके सामने आ जाएगी, बट शी डजंट कम, शी मेक्स अ बहाना। सो ये था पूरे सीन में। अच्छा, जो पूजा की प्रिपरेशंस हो रही है तो किस तरह से सेलिब्रेट होने वाली महाशिवरात्रि? होने वाली है वो, आई थिंक कल हम शूट करेंगे वो, बट आज प्रेपरेशंस डेफिनेटली हम कर रहे हैं, सो वो सब हो रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। एंड लास्टली, जैसे आप कुछ कह रही हैं कि आ नहीं पाई वृंदा, तो जो 3 दिन का जो काउंटडाउन बिगिन हुआ है उसमें ऐसा क्या करने वाली है सितारा कि 3 दिन के अंदर इनका सत्संग? उससे मुझे क्यूज दिए काफ़ी जो मैं ढूंढ रही हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट के मुझे अभी दो क्यूज मिल गए हैं, सो स्टिल वेटिंग फॉर द होल क्यू, और जब मुझे पता चल जाएगा एंड आई वुड नो उनका मकसद क्या है, देन शी विल अकॉर्डिंग टू हर वो किसी को हार्म नहीं करेगी। सो लेट्स सी, आई एम होपिंग कि मुझे सब क्यूज उनके मिल जाए। थैंक यू।